जब दिल से धुआं उठा, बरसात का मौसम था। सौ दर्द दिए उसने, जो दर्द का मरहम था। हमने ही सितम ढाए, हमने ही कहर तोड़े। दुश्मन थे हम ही अपने, औरों में कहां दम था। समझकर साथ ले जा रहा हूँ। मिथलाव किंग क्राउन बड़ा अजीब चोर है, चोरी भी करता है और आशिकी भी फरमाता है। टू इन वन। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमें आप सब की तलाशी लेनी पड़ेगी। नहीं आईजी साहब, यहाँ शहर के सारे वीआईपीज आए हुए हैं। मैं नहीं चाहते यहाँ किसी की तलाशी ली जाए। चोर तो चोरी करके चला गया, अब खाम खा इन लोगों को परेशान करने का क्या फायदा है। प्लीज एक्सक्यूज मी, प्लीज प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज कैरी ऑन, प्लीज कैरी ऑन। Please enjoy yourself. Please go ahead. Please. आइए, एक मिनट, आइए, please. शाबाश शाबाश, अरे भाई वाह 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 वाह, शाबाश। क्या बात है किंग, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। अरे यार यूं ही बस, give me a drink here. ठीक। क्या हुआ, क्या हुआ? अरे क्या बात है पार्टनर, इतना गुस्सा किस बात का? इस बार फिर वो किंग क्राउन हमारे हीरे ले उड़ा। हम तो समझते थे कि सिर्फ हम ही है जो सफेद कपड़े पहनकर काला धंधा करते हैं, मगर वो किंग क्राउन हमसे बड़ा चोर है। अगर वो इसी तरह हमारे हीरे चोरी करता रहा तो एक दिन तो हम कंगाले हो जाएंगे ना। नहीं पार्टनर, तुम कंगाल नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। बेजान हीरों के अलावा तुम्हारे पास जीते जागते हीरों की खान है, हीरों की खान। तुम्हारे दोस्त की बेटी कंचन जो करोड़ों रुपयों की वारिस है। अरे पार्टनर, मगर वो करोड़ों रुपए तब तक नहीं मिल सकते जब तक उस कंचन की शादी नहीं हो जाती। अरे तो लंदन से अपने भाई को बुलवा क्यों नहीं लेते, आते ही शादी करवा देना दोनों की। अच्छा निशाना, वो भी लड़की का, पहली बार देखा, वंडरफुल। ए मिस्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ताली बजाने की? अगर ताली बजाने का इतना ही शौक है तो किसी कव्वाली पार्टी में शामिल क्यों नहीं हो जाते? अगर आपकी कोई कव्वाली पार्टी है तो हम उसमें शामिल होने के लिए तैयार है। शरा, बाय द वे आप है कौन? आशिक, शायद तुम मेरे गुस्से से वाकिफ नहीं हो। मैं चाहूं तो तुम्हारी कहानी हमेशा के लिए खत्म कर सकती हूं। हमारी कहानी इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी मैडम। वैसे कहानी आपने शुरू की है, इसे आगे मैं बढ़ाऊंगा। हमारा अंदाज आपको पसंद आया, आपने दिल बनाया और हमने अपने दिल की बात उस पर लिख दी। आपका निशाना बहुत अच्छा था, आपने जो किया अच्छा किया। थैंक यू, थैंक यू। आपका नाम क्या है? आशिक, आशिक। मैम, 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 मेरा बैग। हमें बेहद अफसोस है पुखरा साहब कि बेहतरीन प्लानिंग और पुलिस के बंदोबस्त के बावजूद हम उस किंग क्राउन को पकड़ नहीं सके और ना ही आपके हीरों को बचा सके। अरे आपके अफसोस करने से मेरा लाखों का नुकसान तो नहीं पूरा होता ना आईजी साहब?
ये पहली दफा नहीं हो रहा है मेरे साथ, तीन बार हो चुका है मेरे साथ। बुकिंग क्राउन मेरे घर में चोरी करके निकल जाता है, अफसोस करने के लिए आप मेरे घर में चले आते हैं। हमें खुद समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि चोर अब ज्यादा दिन तक पुलिस की नजरों से बच नहीं सकता। हाय अंकल, कैसे हो बेटी? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप कुछ परेशान लग रहे हैं। और ये पुलिस? मेरी परेशानी का एक ही कारण है बेटी, वो बदमाश किंग क्राउन। वो खैर जो हो गया सो हो गया, तुम अपने कमरे में जाओ, जाओ जाओ। ओके। हाँ। सबसे बड़ी बात तो यह है पुखराज जी के नकाब की वजह से अभी तक किसी ने किंग क्राउन का चेहरा नहीं देखा। वो अंधेरे में काला नकाब पहन के आता है और अंधेरे में गायब हो जाता है। अरे ये लाइट को क्या हो गया? रामो जी साहब, जरा BST को फोन करना। अच्छा साहब। अरे कौन है आप? मेरा नाम अवतार सिंह बत्ती वाला है जी, मैं लुधियाना का रहने वाला हूँ। तोड़ा से बत्ती जाते हुए देखा तो रोशनी करने आ गया जी। थैंक यू सरदार जी, देख लीजिए क्या हुआ है। है जी। मैं ना लगता है कि जरा शॉर्ट सर्किट हो गया है, मैं जरा ऊपर देख कर आता हूँ। हाँ देख लो, देख लो। हाँ जी हाँ। कौन है तुम? मैं अवतार सिंह बत्ती वाला, लुधियाना का रहने वाला, कनेक्शन जोड़ने वाला जी, कनेक्शन। ये क्या बदतमीजी है? ओए यक्का है कि हजार हजार वोल्ट की बत्तियां जल रही थी। क्या से बिहेव करा जी, इधर थोड़ी अकेली ऊपर से अंधेरा आपके ना बिहेव जी। सुना था कुड़ियों में दो किस्म की करंट होती है, एसी और डीसी। खींच दिए फेंक दिए, खींच दिए फेंक दिए, मगर आप में डीसी करंट ज्यादा है जी। खींच दिए। देखो सरदार जी, अगर आप लाइट ठीक नहीं कर सकते तो यहाँ से चले जाइए, वरना मैं अपने अंकल को बुला। अरे नहीं नहीं, पापा ने क्यों बुला दी कुड़िये? अब तो सारा काम पूरा नहीं हुआ है, कनेक्शन ज्वाइन करनी है मैंने। हाँ जी हाँ जी, ठीक है जल्दी करो। ओके जी, अभी कर देना। कनेक्शन का डब्बा कितना है? साडा काम हो गया जी। रोशनी आ गई, साडा काम हो गया जी। अब चलता हूँ। हाँ जी अब चलता हूँ। रब ने चाहा तो मुलाकातें होती रहेंगी, हैं? मुलाकातें होती रहेंगी। ऐ सरदार जी, इधर आओ। अच्छा कनेक्शन जोड़ दिया जी। अब और कोई कनेक्शन जोड़ना है जी? ये रखो। इसकी कोई जरूरत नहीं भाजी, असल गवर्नमेंट का सर्वेंट है, गवर्नमेंट ही मैंने पैसे देगी जी, ये मैंने नहीं चाहता। जा जी सर। सरदार जी बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ए सरदार जी, एक मिनट रुको। क्या बात है बाबू जी? सर किंग क्राउन के पास भी ऐसा ही बैग था। ये बैग इन्हें वापस दे दो। ये लो। अच्छा जी, अच्छा चलता हूँ। आपको भी सत्कार जी, आप कभी जरूरत पड़े तो बुला लेना जी। थैंक यू जी। पुखराज जी, दुनिया में कुछ भले लोग भी होते हैं। अंकल, वो इलेक्ट्रिशियन कहाँ गया? चला गया, अपना बैग भूल गया है। भूल गया? नाम है मेरा, जिस इलाके में मेरा ट्रांसफर होता है ना, उस इलाके से मेरा नाम सुनकर क्रिमिनल्स 100-100 किलोमीटर दूर चले जाते हैं। बाहर आओ।
नाम जी की पांडे साहब, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूं, मेरा नाम जयकिशन है। अपराधी चाहे अपना चेहरा हजार नकाबों में क्यों ना छुपा ले, लेकिन मेरी तीसरी आंख से बच नहीं सकता। जयकिशन उर्फ किंग क्राउन। देखिए आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मुझे कभी कोई गलतफहमी नहीं होती। मैं बिल देखकर समझ जाता हूं कि सांप कहां छुपा है और उसने मणि कहां छुपा रखी है। Under arrest, Mr. King Crown. यहां गाड़ी क्यों रोक दी? यहां कौन सा जेल है? मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे गुनाहों की सजा इतनी लंबी मिले कि तुम्हारी सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे कट जाए। नीचे उतरो। मैं कुछ समझा नहीं। मैं हर अपराधी को सुधरने का एक मौका देता हूं। अगर सुधर जाए तो ठीक है, और अगर नहीं सुधरा तो फिर मैं जेल में नहीं डालता, सीधा गोली मार देता हूं। देखो, अपना रास्ता बदल लो और एक ईमानदारी की जिंदगी जीना शुरू करो, वरना जो गोली हवा में चलाई है ना, उसे तुम्हारे सीने तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। ये हीरे गवर्नमेंट के खाते में जमा हो जाएंगे और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की जाएगी कि तुम एनकाउंटर में मारे गए। मैं पहला पुलिस वाला देख रहा हूं जो एक अपराधी पर उपकार कर रहा है। देखो जयकिशन, तुम भी किसी मां के बेटे हो ना, और फिर इंसान में अच्छाई बुराई दोनों होती है। अगर तुम चाहो तो किसी भी सुबह से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हो। हर पाप का एक प्रायश्चित होता है। मैं चाहता हूं कि तुम भी प्रायश्चित करो। ऑल द बेस्ट। मैंने भी तेरी वर्दी नहीं उतरवाई तो मेरा नाम भी जयकिशन नहीं। ओम मेरा फेरी नमः, ओम 420 नमः, ओम पुलिस की वर्दी माता है नमः। हे वर्दी माता, तेरी नजर इसी तरह हम पर इनायत रही तो विश्वनाथ नाम का ये 420 प्राणी बड़े बड़े कारनामों में कामयाब हो जाएगा। ओम झुल झलाए नमः। चलो भाई पूजा खत्म। अच्छा सर, अपनी अपनी वर्दी उतारो वरना दीनू भाई ड्रेस वाला डबल भाड़ा मार देगा। चलो फुटो। अच्छा, चलो चलो चलो। जय वर्दी माता। नंदलाल भाई, मैं विश्वनाथ बोल रहा हूं। कुछ कीमती हीरे हाथ लगे हैं, सौदा करना चाहता हूं। बोलो तो दुकान पर आ जाऊं? ऐसा सौदा दुकान पर नहीं, दुकान के बाहर होता है। एक घंटे के बाद मोनार्क क्लब में आ जाना, मैं वहां तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है। रात यहाँ पर हर आने जाने वाले पर निगाह रखनी है, कोई बचकर जाने ना पाए। हमें सही मुजरिम को पकड़ना है। हाँ हाँ। तेजी ने मिलने की जगह बदल दी है। नीचे पार्किंग में एक गाड़ी खड़ी है, उसमें बैठ जाओ। गाड़ी का नंबर है MH7447। मैं चेंज करके आती हूँ। अच्छा, सर जी का ये प्रोग्राम कैसे बदल गया? प्रोग्राम तो मौसम की तरह बदलता है। मौसम कुदरत बदलती है और हमारा प्रोग्राम पुलिस के डर से बदल जाता है। आप जितनी हसीन हैं, बातें भी उतनी खूबसूरत करती हैं। वैसे मेरा नाम विश्वनाथ है और आपका? सपना। खैर ये तो बता दीजिए, हमें जाना कहाँ है? चुपचाप बैठे रहिए, मंजिल अपने आप आ जाएगी।
बाबा, कुछ लगा है? कुछ नहीं। सीने में उतार देता, लेकिन हम हमारे घर आए दुश्मन को भी मेहमान की इज्जत देना जानते हैं। मगर मैं यहां आया कैसे? जिस जंगल में तुमने मुझे छोड़ा, वहीं मुझे तुम्हारा मार्गदर्शन मिला। वहीं मुझे पता चला कि तुम्हारी असलियत क्या है, मंगल पांडे उर्फ विश्वनाथ। लेकिन मैं तो एक लड़की के साथ था। वो मैं सपना मेरे लिए काम करती है, और वो है सेठ नंदलाल भाई ज्वेलर, जिसे हमने क्लब से उठवा लिया था। और ये है हमारे हीरे, जो हमारे थे और हमारे पास पहुंच गए। वर्दी पहनकर तुमने बहुतों को बेवकूफ बनाया विश्वनाथ, लेकिन आज खुद बेवकूफ बन गए। हम अपने दुश्मनों पर कयामत की नजर रखते हैं। तुम्हारी नजर के सचमुच हम कायल हो गए किंग क्राउन, और आपके भी। तुम्हारी तरह मेरा भी एक सिद्धांत है विश्वनाथ, मैं अपने दुश्मन को एक मौका देता हूं, अगर वो समझ गया तो ठीक है, वरना गोली सीधे सीने के पार कर देता हूं। एक बात और याद रखना, एक जंगल में सिर्फ एक ही शेर रह सकता है, समझ गए? बिल्कुल समझ गया। इसे उसी जंगल में छोड़ा जहां पर इसने मुझे छोड़ा था। ओके। और हां विश्वनाथ, अगर जिंदगी में कोई पाप किया हो तो उसका प्रायश्चित करना बहुत जरूरी है, राइट? ठीक है, मैं वे बहुत तरस आ रहा है तुम पर, आंखों पर काली पट्टी बांधे हुए बिल्कुल महाभारत की गांधारी लग रहे हो। चले थे किंग क्राउन के उस्ताद बनने, मगर अफसोस है कि उसके चेले भी नहीं बन पाए। मुझे कोई अफसोस नहीं हो रहा है, बल्कि मुझे तो इस बात की खुशी हो रही है कि आप जैसी हसीना से मुलाकात तो हो गई। दुआ करना कि दोबारा मुलाकात ना हो, अभी तो सस्ते में छूट गए, फिर पता नहीं क्या कीमत चुकानी पड़े। आपसे मिलने के लिए मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ, और विश्वनाथ का ये विश्वास है कि अगली मुलाकात में मेरे हाथ आपके हाथों से बंधे होंगे, और इस काली पट्टी की बजाय आपका खूबसूरत चेहरा मेरी आंखों के सामने होगा। गाड़ी को रोक दी। जहाँ तुम्हें पहुँचाना था वो जगह आ गई। किंग क्राउन से टक्कर लेकर जो तुमने गलती की है, उसके प्रायश्चित के लिए इससे अच्छी जगह और कोई नहीं हो सकती। इस एकांत में मन को शांति मिलती है। बड़े बड़े महापुरुषों ने ऐसे ही जंगलों में ज्ञान की ज्योति प्राप्त की है। मुझे ज्ञान की ज्योति नहीं, मोहब्बत की ज्योति चाहिए, जिसकी जगमगाती रोशनी मैं आपके दिल में देख रहा हूँ। शट अप। माना कि आप हमसे खफा हैं, मगर फिर भी तस्वीरें वफा हैं, और ये वफा की तस्वीर एक ना एक दिन हमारी जरूर होगी। सुनिए। कहिए। क्या कहूँ, कैसे कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मत कहिए। अगर नहीं कहूँगा तो नौकरी भी नहीं मिलेगी। तो आप नौकरी की तलाश में आए? जी हाँ, मिल सकती है। आप अपनी नौकरी की बात करने आए हैं? मेरी खुद नौकरी खतरे में है, मैनेजर ने फाइल कहाँ रखी और ढूंढने के लिए मुझे कहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत करो। हाँ फाइल मिल गई, आप जाइए। चला गया। हेलो सर, मैं हांगकांग से चिली चुकुक बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। क्यों? अरे क्या बात है, कोई बात नहीं, आने की कोई जरूरत नहीं, मैं सब संभाल लूंगा।
इसे कहते हैं वक्त का पलटना। वक्त मेहरबान तो श्याम जी गदा पहलवान। बन जाओ श्याम जी चिली चो। चिली चू हमारा नाम, चाइनीज खाना बनाना हमारा काम। हांगकांग से आया सुन के तुम्हारा नाम, बोलो क्या है किधर है काम। तुम्हारी तकदीर बड़ी अच्छी है, इसीलिए तुम्हें ये नौकरी मिली है। तुम चाहो तो आज से ये नौकरी ज्वाइन कर सकते हो। वेरी गुड वेरी गुड। चलो मैं तुम्हारा स्टाफ से परिचय करवा देता हूँ। चलो आओ। अरे उधर नहीं, इधर। इधर से एंट्री नहीं है। चिकन तो इसमें होना चाहिए, आपने इसे लटका दिया है, समझ भी नहीं आया। ये चिकन हवाई सूप है, हमारे हांगकांग का सबसे मशहूर सूप है। क्या है कि नीचे अंगार जलाएगा, ऊपर गर्मी पहुंचेगा, चिकन को पसीना आएगा, पसीना अंदर गिरेगा, तैयार हो जाएगा चिकन हवाई पसीना सूप। पसीना गिर रहा है, वेरी गुड। इधर लाओ भैया। हुआ हुआ हुआ। अभी बैगन दो, काट के काटो जल्दी जल्दी भैया। हुआ हुआ हाँ। इसमें तो बहुत टाइम लगता है, पूरा दो, पूरा उठा के दो। हैया हुआ हिया हुआ हो जाओ। अलविदा या हो जी हो या हो जी। हम आता है थोड़ा देर के बाद, बन जाएगा। जिंदगी में पहली बार ऐसा चिकन हवा हवाई सूप देखा है। क्या बोलता है हमारा चिकन हवा हवाई? सर, चिली जी, चिली जी, आप ग्रेट हैं। आई एम योर फैन। आप हांगकांग की तोप हैं, इंडिया की होप हैं। सर सर, मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसा लटकता हुआ पसीना हवा हवाई चिकन सूप देखा है। सर सर, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है। मैं पिछले 10 साल से इस होटल में काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरी तनख्वाह सिर्फ 10,000 रुपए है। मेरे छोटे छोटे 2-4 बच्चे हैं। अगर अगर आप मैनेजर से ये कह देंगे कि ये हवा हवा चिकन सूप मैंने बनाया है, तो मेरी भी तनख्वाह 25,000 रुपए हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगा। सर सर, चिली जी कुछ कीजिए मेरे लिए, कुछ कीजिए। सोचने का टाइम दो। ज्यादा मत सोचिए सर, वरना आप हाँ नहीं कह पाएंगे। ठीक है, हम नहीं सोचता है। मैनेजर के पास जाता है, बोलता है कि ये सूप तुमने बनाया है। ये लटकता हुआ पसीना हवा हवाई चिकन सूप मेड बाय घनश्याम। आपने मुझे याद किया सर। मुझे मालूम था डाइनिंग हॉल में सूप तुम्हारा गया था। यस सर, मैंने बड़ी मेहनत से बनाया सर। सर जानते हो तुम्हारे सूप ने क्या किया? क्या किया सर? डाइनिंग हॉल में हर आदमी ने वॉमिटिंग किया। वॉमिटिंग? उल्टी। और मुझे हॉस्पिटल से एम्बुलेंस बुलाना पड़ा। यू कैन गो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम्हारे सूप ने मेरे होटल को ऐसा लूप लगा दिया है कि कस्टमर लोग होटल के नाम से भाग रहे हैं। सिक्योरिटी सर, सर मेरी एक मिनट, मेरी बात। मुझे कुछ नहीं सुनना है। इस आदमी के कपड़े उतार कर इसे नंगा करके इसको होटल के बाहर फेंक दो। आप लोग कौन है? हम लोग हांगकांग से आए हैं। इधर चिली चू कुक सर्विस करता है। हाँ हाँ बोलो, क्या काम है? वो छोकरा हमारी छोकरी को धोखा दिया, उससे शादी का प्रॉमिस किया और इधर भाग आया। हम लोग उसको पुलिस में देगा। वो किधर है? अभी बुलाता हूँ। हेलो, हाँ चिली चू को इधर भेजो। आप हमको याद किया? यस, इनसे मिलिए। ये कौन है जिसके लिए तुम यहाँ आए हो? मिस्टर चिली चू। ये वो नहीं है। तो फिर कौन है तुम? अब तक नौकरी मांग रहे थे, इतनी जल्दी चिली चू बन गए? हम सबको धोखा दे रहे हो? हाँ हाँ, हम आपको धोखा नहीं देता, हमको कुछ नहीं चाहिए। तो फिर तुमको क्या चाहिए? प्लेन का टिकट? अभी मैं तुम्हारी व्यवस्था करता हूँ। सिक्योरिटी। यस सर। इस आदमी को नंगा करके यहाँ से बाहर फेंक दो। अरे बाहर फेंकने से पहले नंगा क्यों कर रहे हो? अरे किंग क्राउन जहाँ कहीं भी दिखाई दे, इसकी सूचना फौरन पुलिस को दी जाए। मिल गई नौकरी, मिल गई। कैसी कैसी नौकरी? किंग क्राउन को पकड़ने की नौकरी। इसके सर पे इनाम रखा है सरकार ने, इसे पकड़ लेंगे तो इनाम हमारा हो जाएगा, हम मालामाल हो जाएंगे, अमीर हो जाएंगे। दे दे मेरा साथ। एक बात तेरा साथ दिया तो सड़क पर आ गया, अब दूसरी बात तेरा साथ दूंगा तो मेरी सांसें बंद हो जाएंगी। अरे तेरी सांसें नहीं बंद हो जाएगी, तेरी जिंदगी बन जाएगी। चल मिला हाथ, मिला। मजबूरी है,
हाथ तो मिलाना ही पड़ेगा, नौकरी भी चली गई है, लेकिन हम लोग करेंगे क्या? अरे नहीं, दुकान खोलेंगे जिसका नाम होगा श्याम जी। घनश्याम जी, प्राइवेट डिटेक्टिव। ये दो जासूस। अरे महसूस, ये दुनिया बड़ी खराब है, ये दो जासूस। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, शर्ट रेडी है? हाँ सर रेडी है। Can I have एक मिनट, ये लीजिए। मैं ट्राई ले सकता हूँ? यस सर। हाँ मैडम, मेरे साथ वाले ट्रायल रूम में कौन था? क्यों, क्या हुआ? उनके कोट के साथ मेरा दुपट्टा चला गया। वो तो अभी अभी चले गए।
जवानी तेरी रब दा कमाल है, खाली तेरी चोटियों पे रेशमी रुमाल है, तू है कुड़ी लाखों की करोड़ों की, के सोनी कुड़ी सब नू है जचदी, के सोनी कुड़ी सब नू है जचदी। किंग,
आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। अरे यार यूं ही बस, गिव मी अ ड्रिंक यार। ठीक, क्या हुआ, क्या हुआ? मेरा नेकलेस। हेलो, इस नेकलेस की तलाश कर रहे हो? स्टॉप, अंदर जाओ। कम इन। तुम्हारे पास ये नेकलेस आया कैसे? याद करो, मोहम्मद अली पाक के पास तुम एक भिखारी से मिले थे। मुझसे ये हार चढ़ा के तुम ये साबित करना चाहते हो कि तुम मुझसे बड़े चोर हो? गलत, मैं तुमसे ये साबित करना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा शुभचिंतक हूँ। समझा नहीं? एक शेर दूसरे शेर को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकता। मुखराज ने तुम्हारे चारों तरफ जाल बिछा रखा था, उसे मालूम था तुम वहां चोरी करने आओगे, इसलिए उसने इस लॉकेट के पीछे टाइम बॉम्ब रखा था। मुखराज को मालूम था कि किंग क्राउन उसे चोरी करेगा और हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। यह टाइम बॉम्ब रात के ठीक 12:30 बजे फटने वाला है। अरे पार्टनर रुद्रा, पार्टी तो खत्म हो गई, ये भी कोई वक्त है पार्टी में आने का? क्या करूं यार, किसी काम में अटक गया था। देख, किंग क्राउन अपने प्लान के मुताबिक नेकलेस तो चुरा कर ले गया। अब 2 सेकंड में उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। किसी ने आपके लिए तोहफा भेजा है। तोहफा? नेकलेस। तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। मैंने कोई एहसान नहीं किया, तुम एक बहादुर हो और एक बहादुर को इस दुनिया में जीने का पूरा हक है। तो दो बहादुर दो दोस्त भी तो बन सकते हैं। सपना, हैरान होने की कोई बात नहीं है, आज से ये हमारा जिगरी दोस्त है और हम चाहते हैं कि इसकी मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये जासूस के कपड़े तो हमने बनवा लिए। हाँ। लेकिन ये किंग क्राउन का बच्चा अभी तक हमें नहीं मिला। अरे तू किंग क्राउन की बात कर रहा है, 4 दिन हो गए वड़ा पाव तक नहीं मिला, ऐसा ही रहा तो हम भूख से मर जाएंगे। अरे तू कहाँ है किंग क्राउन? वहाँ है। कहाँ? नीचे आओ, नीचे आओ। वो देखो फूल वाले के पास। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। चश्मा तो निकालो। ओ सॉरी। लाल गुलाब का फूल और किंग क्राउन का निशान, यही है किंग क्राउन। कम ऑन। कौन हो तुम लोग? हिलना मत, मेरे हाथ में पिस्तौल है। देख मत, असली है। मेरी बीवी का बर्थडे, मैं उसके लिए फूल ले जा रहा हूँ, छोड़ दो मुझे वरना आई विल शूट यू। अंग्रेजी में बोलता है, अभी थोड़ी देर बाद पुलिस स्टेशन पहुंचकर तू हिंदी में बोलेगा, मराठी में रोएगा, गुजराती में गिलगिलाएगा और पंजाबी में चक्की पीसेगा। अरे बेवकूफो, मैं आईजी पुलिस हूँ। आईजी? तुम आईजी पुलिस हो? मुंह खोलो। साथी पकड़ लिया। ये सब क्या हो रहा है? अरे हमको नहीं पहचाना, ये घनश्याम जी और ये है श्याम जी और ये जो बीच में खड़ा है किंग क्राउन जी है। और हमने इसे पकड़ लिया, अब इसे जल्दी से अंदर कर दीजिए, हमारा बैग नोटों से भर दीजिए। ए बैग दे। अरे सैल्यूट मत मारिए सर, ये बैग नोटों से भर दीजिए बस। बेवकूफो, ये आईजी साहब है। फिर से आईजी? शट अप, ये आईजी साहब ही है, आईजी गिल। आईजी गिल, सलाम साहब। मैंने पहले कहा था कि ये गिल आईजी गिल है। अरे जाजा, मैंने कहा था, लेकिन मुझे दिखाई नहीं देता। बोलता यस सर, इन दोनों गधों को ले जाओ और इनकी ऐसी पिटाई करो कि इनका चेहरा देखने के बाद गधों को भी शर्म आए। नहीं, मुझे दिखाई नहीं देता बराबर। गेट लॉस्ट। चलो। जो भी कपड़े क्या धोता है, जिस तरह से पुलिस ने हमें धोया है, मेरा तो पुर्जा ढीला हो गया है। श्याम, लगता है अपने नसीब में मार खाने के सिवा कुछ नहीं है। होटल में मार खाते हम, पुलिस स्टेशन में मार खाते हम, निकले थे किंग क्राउन को ढूंढने और क्या बन गए?
क्या? चलो भाई। ए भाई साहब, अरे अरे क्या कर रहे हैं आप? हम लोग भिखारी नहीं है। क्या भिखारी नहीं हो? अरे सड़क पर बैठकर भीख मांगते और कहते हो भिखारी नहीं है। अरे नहीं, हम भिखारी है। दरअसल क्या है कि बहुत दिनों से इसके पेट में खाना नहीं गया है, तो इसका दिमाग जो है भूल जाता है कि ये क्या है। अभी तो अबे तो भिखारी है, भिखारी है, भिखारी। हाँ, मैं भिखारी हूँ। तो ऐसा बोलो ना, ये लो 5 रुपए। तू भिखारी है? आज से तुम्हारा यही धंधा है, समझ गए? हाँ, हम भिखारी है। हम भिखारी है भैया। ब्रदर, यू आर मोस्ट वेलकम। इंडिया पहुंचने पर हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। थैंक यू भैया। और अब मैं आ गया हूँ, और आज से पूरा कारोबार संभालने की जिम्मेदारी मेरी है। तुम्हें जिस चीज को संभालना है उसका नाम है कंचन, और तुम्हारी ड्यूटी उसका दिल जीतने की। ओह दैट्स गुड, आई लाइक इट। अब तुम जरा आराम करो, मैं जरा एग्जीबिशन होके आता हूँ। वो क्या है? मैंने यहाँ एक हीरो की एग्जीबिशन लगाई है, जिसकी सिक्योरिटी चेक करनी है और कुछ प्रेस रिपोर्टर्स के सवालों के जवाब देने हैं। कल आराम से बात करते हैं। ओके भैया, थैंक यू भैया, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप इस डायमंड के बारे में कुछ जानते हैं? ये वो नया हीरा है जिस पर सूरज की रोशनी पड़ती है, इसमें से 7 रंग निकलते हैं। सर, मेरा नाम कुलदीप कौशल है, मैं वांगटोंग टीवी से हूँ। आप बता सकते हैं कि इस हीरे की कीमत क्या होगी? इस हीरे की कीमत इस शोरूम में रखे हुए तमाम हीरे जवाहरात से ज्यादा है। सर, शहर में जिस तरह से चोरियां हो रही हैं, आपको डर नहीं लगता कि आपका हीरा किंग क्राउन न चुरा ले? हमने बहुत सख्त इंतजाम किए हैं, किंग क्राउन किसी भी तरह इस हीरे तक नहीं पहुंच सकता। अच्छा, वेरी गुड। वो कैसे सर? ओ नो, रुको। अगर गलती से भी तुम्हारा पांव यहां पड़ गया तो अलार्म बज उठेगा। ओ आह, वेरी गुड वेरी गुड। इस शोरूम में जितने भी कांच लगे हुए हैं उन सब के पीछे लेजर बीम्स हैं, जो शोरूम बंद करने के बाद ऑन कर दिए जाते हैं। जैसे कोई हीरे के पास पहुंचने की कोशिश करेगा तो सीक्रेट अलार्म बजेगा। और भी बहुत कुछ है जो कॉन्फिडेंशियल है, जिसे हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। अच्छा, हीरे के पास तो कोई गया नहीं, फिर ये अलार्म कैसे बज गया? एक पानी की बूंद यहां गिरी और ये अलार्म बज उठा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फ्लोर कितना सेंसिटिव है। थैंक यू फ्रेंड्स, नाउ दिस एग्जीबिशन इज गोइंग टू बी क्लोज। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। समझ गया, 11:30 से 11:40 तक ही हमारे पास वक्त है। इस बीच सिक्योरिटी गार्ड्स चेंज होते हैं, इस 10 मिनट के अंदर अंदर हमें काम पूरा करना है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।
सबसे कीमती हीरा चोरी चला गया। आप लोग घबराइए मत, वो जल्दी पकड़ा जाएगा। पुलिस पर भरोसा रखे। क्या भरोसा रखे पुलिस पर? आपकी निगरानी में तो हुआ ये सब। आपकी आंखों के सामने किंग क्राउन यहाँ आया, तब नहीं आप उसे पकड़ सके, आप क्या खाक पकड़ेंगे उसे? सब आपकी लापरवाही के कारण हुआ है। We will file case against you. देखिए रिलैक्स रिलैक्स, मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि किंग क्राउन बच नहीं सकेगा। My foot. फ्रेंड्स के साथ लाश शो देखने गई थी। वैसे भी अब नींद कहाँ आती है? हमें भी कहाँ आती है? ऐसे ही बाहर खड़े सारी बातें करोगे या अंदर भी आओगे? Let's go. Please come. आओ ना। अरे तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? अब तो घर पर नहीं है। मालूम है। कैसे? वो उनके हीरो की जो एग्जीबिशन चल रही है, ऐसे में वक्त कहाँ मिलेगा? स्मार्ट बॉय, यहाँ बैठो, मैं अभी आई। ये मेरे लिए लेके आए हो ना? हाँ, यही वो सरप्राइज है जो मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। ये सरप्राइज नहीं, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। इसे तुम अपने हाथों से पहना दो।
तुम्हारे गले में मंगलसूत्र कहाँ से आया? वो तुम कुछ छुपा रही हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये मंगलसूत्र मुझे जयकिशन ने पहनाया है। जयकिशन? हाँ, मेरी शादी जयकिशन से हो चुकी है, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। ये तो बड़ी खुशी की बात है। हम तो सोच रहे थे कि तुम्हारे पांव पालने से बाहर ना निकले और तुम डोली में बैठने के ख्वाब देख रही हो। सिर्फ अपने बाप की वसीयत की वजह से वाला भैया इतने कभी नहीं है तुमको कभी का मार चुके होते। वो हरामजादा मेरा दुश्मन था जिसने ऐसी वसीयत बनाई कि तुम जायदाद की वारिस सिर्फ शादी के बाद बन सकती हो, वरना सारी जायदाद ट्रस्ट में चली जाएगी। क्या सोच रही हो? एक बात तुम अपने बेजे में डालो, तुम्हारी अगर शादी होगी तो सिर्फ मेरे साथ, तो उसने का ख्वाब देखना बंद करो। इसे ले जाकर गेस्ट हाउस में बंद कर दो, तब तक भूखी प्यासे रखो जब तक कि अपने आशिक को भूल न जाए। आखिर आपने कंचन को अपना असली रूप दिखा ही दिया। रुद्रा, वो मंगलसूत्र जो कि कंचन ने पहना हुआ है हमारे म्यूजियम से चोरी हो गया था, और वही मंगलसूत्र जयकिशन ने उसे दिया है। इसे साफ जाहिर होता है कि जयकिशन एक किंग क्राउन है। तो फिर देर किस बात की है, खत्म कर देते हैं उसे? नहीं, अभी नहीं, अभी तो बहुत हिसाब किताब बाकी है। हमें जयकिशन की पूरी प्लानिंग, उसकी पूरी मूवमेंट्स का पता लगाना है। उससे क्या होगा? हम जयकिशन की चाल पर अपनी चाल चलकर उसे बता देंगे कि हम कौन हैं। जयकिशन, कमरे में इतना अंधेरा क्यों कर दिया? इसलिए कि मैंने भी किसी को जिंदगी के उजाले से दूर अंधेरे में रखा है। कौन है वो? एक लड़की है जो मुझे जी जान से प्यार करती है, और मैं उसे धोखे के सिवा कुछ नहीं दे रहा हूं। क्या धोखा दिया है तुमने उसे? किंग क्राउन का घिनौना चेहरा मैंने उसे छुपा रखा है। विश्वनाथ, जब से वो मुझसे मिली है जिंदगी बड़ी खूबसूरत से लगने लगी है। काश वो मुझे पहले मिली होती, मेरी जिंदगी का रुख कुछ और होता। मैं अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ विश्वनाथ। लग रहा है तुम मेरे दिल की बात कर रहे हो। मैं भी कई बार सोचता हूँ आखिर इस जीवन का अंत क्या होगा, क्यों ना अंधेरे की जिंदगी से निकलकर रोशनी की तरफ जाऊं। जयकिशन, जो रास्ता तुम तय करोगे वही मेरा रास्ता होगा। कल ये सब छोड़कर हम यहां से दूर निकल जाएंगे। आज क्यों नहीं? एक आखिरी काम बाकी है। जब मैंने इस धंधे में पहली बार कदम रखा था तो एक जॉन डिसूजा नाम के आदमी ने मेरी मदद की थी, तो उसने मुझे किंग क्राउन का टाइटल भी दिया था। आज वो सिंगापुर से इंडिया आ रहा है। मैंने उससे कुछ हीरे देने का वादा किया था। वो खंडा लगे परिचय होटल में रुकने वाला है। लेकिन हम वहां पहुंचेंगे कैसे जयकिशन? पुलिस ने कई दिनों से चारों तरफ जबरदस्त नाकाबंदी कर रखी है। ये बैग लेकर तुम सपना के साथ खंडाला के लिए रवाना हो जाओ, बाकी मैं संभालूंगा। गुड लक विश्वनाथ। रुकिए रुकिए, गाड़ी रुकिए, नीचे उतरिए आप लोग। क्या बात है इंस्पेक्टर? हमें हेडक्वार्टर से खबर मिली है कि आप लोग हीरे लेकर जा रहे हैं। अवल जरा देखें तो सही, इसमें क्या है? आई एम सॉरी, यू कैन गो। हीरे हैं, हम बहुत खुश हुए। एक बात तो बताओ, तुमने पुलिस को चकमा कैसे दिया? मैंने खाली बैग देकर
पुलिस को अपने दोस्त के पीछे भेज दिया और हीरे लेकर खुद यहाँ आ गया। वेरी गुड वेरी गुड। ये रहे तुम्हारे पैसे। अब पैसे मेरा दोस्त ले जाएगा और मैं पुलिस को चकमा दूंगा। वैसे मेरे दोस्त का नाम विश्वनाथ है, अब ये पैसे उसे दे दीजिएगा। जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। अच्छा, अगले महीने दिल्ली में हीरो की एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन लगने वाली है। मैं चाहता हूँ उस एग्जीबिशन के हीरे। ये मेरा आखिरी काम था, इसके बाद मैं चोरी नहीं करूंगा। किंग, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ जॉन, मैं कहीं शादी करके अपना घर बसाना चाहता हूँ। जिस लड़की से मैं शादी करना चाहता हूँ मुझे बहुत शरीफ समझती है। जिस दिन मैंने अपना काम शुरू किया था आपने मुझे गुड लक के तौर पर ये क्राउन दिया था, मैं उसे लौटाना चाहता हूँ। अच्छा, I wish you all the best, King, all the best. Thank you, John. Thank you. सपना, ये हीरे गायब कैसे हो गए? क्यों ना जय किशन को फोन करें? हेलो हेलो जय किशन, मैं विश्वनाथ बोल रहा हूँ। मुझे मालूम था वो तुम्हारा पीछा करेंगे और उन्होंने तुम्हें ही घेर लिया। अरे भाई, जान में जान आई। थोड़ी देर के लिए तो हम दोनों परेशान हो गए थे, लेकिन वो हीरे हीरे अपनी जगह पहुंच गए। तुम भी खंडाला परिचय होटल रूम नंबर 207 में जाओ, वहां से पैसे कलेक्ट करो और सीधे खंडाला पोर्ट क्लब आ जाओ। ओके? ठीक है, हम लोग वहां पहुंच रहे हैं। बस हमारा काम हो गया। विश्वनाथ जिस पुलिस को असली पुलिस समझ रहा था वो हमारे आदमी थे। गुड। जिन्होंने गाड़ी की तलाशी के वक्त वहां माइक लगा दिया था। रुद्रा को खबर कर दो। राइट। हमें खंडाला के होटल में रूम नंबर 207 में जाना है। ओके। कौन है आप लोग? टुकराज महादेवन रुद्रा। शहर में लोग हमें और एक नाम से जानते हैं, मौत का सौदागर। मुझसे क्या चाहिए आप लोगों को? तुम्हारी जिंदगी। ये रही जय किशन की हैंडराइटिंग में लिखी हुई चिट्ठी। जय किशन और विश्वनाथ, शायद ये दोनों नहीं जानते कि हम दोनों की खोपड़ी में शैतान का दिमाग है। ये हमारे खेल की ऐसी चाल है कि दोनों दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे और लोहा लोहे को काट डालेगा। Yeah.
किचन के आदमी है, तो उसने कहा था कि अगर विश्वनाथ होटल में पुलिस से बच जाए तो उसे रास्ते में खत्म कर देना। किशन, तुमने विश्वनाथ से दोस्ती करके बहुत कम कीमत पाई है, मगर दुश्मनी करके तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मालिक, मैं जोरा बोल रहा हूँ। जैसा आपने कहा था वैसा ही किया, उसके सामने मैंने मरने का नाटक भी कर दिया। वाह जोरा, वेरी गुड। अब एक दोस्त दूसरे दोस्त को दुश्मन की तरह मिलेगा। आओ विश्वनाथ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम यही सोच रहे होगे कि अब तक पुलिस जॉन डिसूजा के खून में गिरफ्तार कर चुकी होगी। जॉन डिसूजा का खून, ये सब कैसे हुआ? यही सवाल हम आपसे करने वाले थे किंग। क्या कागज के चंद टुकड़े दोस्ती से बढ़कर होते हैं? विश्वनाथ को मैंने दोस्त माना है और मैं दोस्तों को धोखा नहीं देता। झूठ! दोस्ती की आड़ लेकर तुम मुझे हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है विश्वनाथ। तेरी सारी साजिश का पर्दाफाश हो चुका है गद्दार। तूने जिस आदमी को मुझे मारने के लिए भेजा था, उसने खुद अपने मुंह से सब कुछ कबूल कर लिया है। कहाँ गए?
है। ये क्या कर रहा है यार? आजा आजा। अरे मेरे बाप, अब तक तू कहाँ था? तुझे देखने के लिए तो हमारी आंखें तरस गई थी, अब तो आंखें खोल। अरे कुछ तो बोल। ये तो कुछ भी नहीं बोल रहा है। अबे कैसे बोलेगा, ये देख पूरी बोतल पी के धोता है। पूरी बोतल लपटा गया, अब क्या करें? इसके पहले कि ये होश में आए, इसे पुलिस स्टेशन लेके चलते हैं। इनाम हमारा इंतजार कर रहा है। यार लकी मैन, तूने तो हमारा मुकद्दर बदल दिया। अबे इसे उठा, 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 इनाम हमारा। अबे क्या करें, कैसे करें, कैसे ले जाए, क्या करें? एक मिनट, ये देख। ये इसके पैरों के नीचे बांध देते हैं, इसे धक्का मारते हो ले जाते हैं, लोग समझेंगे किसी शराबी को ले जा रहे हैं। अरे यार क्या दिमाग पाया तूने? क्या हुआ? अबे इस तरह जाएंगे, अपना हुलिया तो देख, इसे तो ठीक करना पड़ेगा। मिल गया। ये देख, क्या देख? दो है तो? कुछ तो समझ यार। समझ गया, समझ गया, ये अपना बॉस और अपन दोनों इसके असिस्टेंट। मेरे संभाल कर, देख कहीं लुढ़क ना जाए। अरे कोई देख तो नहीं रहा है ना? मैं चलो भैया। मुंह पर जिंदा है क्या? हाँ, मैंने अभी उसे टैक्सी में देखा है। उसका जिंदा रहना हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है, किसी भी कीमत पर उसको खत्म कर दो। ठीक है। मेरी है यार।
मुझे बचा लो, किंग क्राउन के आदमी मेरे पीछे लगे हुए हैं, वो लोग मेरी जान लेना चाहते हैं, प्लीज हेल्प मी। किंग क्राउन? अरे भागती है, चल जाएगी बच्चा, चल, रुक जा। किंग, आज मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। आप हुकुम कीजिए। आज मैं हुकुम नहीं करूंगा, एक दोस्त की तरह बात करूंगा। ये बैग रखो, इसमें कुछ पैसे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम आज के बाद ये काले धंधे नहीं करोगे। मुझसे वादा करो, आज के बाद तुम ये धंधे नहीं करोगे। आप भरोसा रखिए, आपने जो कहा है वही होगा। गुड लक। तुम यहां क्यों? मुझे देखकर हैरानी हो रही है। यह नकाब तुमने मेरे चेहरे से नहीं अपने चेहरे से हटाया है, तो यह है तुम्हारा असली रूप, जिसे मैं देवता समझकर पूछती रही। वो एक पत्थर निकला। कंचन मेरी बात तो सुनो, मुझे मुझे मत समझो, मैं गुनाह के रास्ते छोड़ चुका हूं, अब मैं सिर्फ जयकिशन हूं, तुम्हारा जयकिशन। अब मेरी आंखों के सामने से पर्दा हट चुका है, मुझे साफ दिखाई दे रहा है मेरे सामने जय किशन नहीं किंग क्राउन खड़ा है। देखो कंचन, मैं तुम्हें सब समझाता हूं। मत आना मेरे, वरना मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी। और एक बात सुनो, मेरे खून के साथ एक और खून होगा, वो है तुम्हारा बच्चा जो मेरे पेट में पल रहा है। बच्चा? हम अपने बच्चे को लेकर कहीं दूर चले जाएंगे, एक नई जिंदगी शुरू करेंगे कंचन। मैं इस बच्चे को तुम्हारा नाम नहीं दूंगी, ये बच्चा एक मुजरिम का बेटा नहीं कहलाएगा। मैं अपने आप को और इस बच्चे को खत्म कर दूंगी। कंचन, रुक जाओ कंचन, 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 कंचन। मर चुका हूं है ना, लेकिन तुम जैसे दुश्मन को खत्म करने के लिए हम मौत से भी जिंदगी उधार मांग लाते हैं। मैं तुम्हें अब भी अपना दोस्त समझता हूं विश्वनाथ, मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम्हें मेरे बारे में कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। इससे बड़ी गलतफहमी और क्या होगी जो मैंने तुम्हें दोस्त कहा। अगर मुझे मालूम होता कि मैं आस्तीन में सांप पाल रहा हूं तो तुम्हें दोस्त कहने से पहले अपनी आस्तीन ही काट देता। ठीक है दोस्त, तुम्हारी मेरी जो भी दुश्मनी उसे तुम पूरा कर लो, लेकिन अभी नहीं, अभी मुझे जाने दो। कंचन की जान खतरे में, वो अपने आप को कुछ भी कर सकती है। दोस्त, कंचन के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं, और मेरी जिंदगी में सपना के सिवा कोई नहीं है। बोल सपना कहाँ है? सपना भाग गई है, उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम। तू झूठ बोलता है कमीने, सच सच बता दे सपना कहाँ है, वरना तुझे चांद से मार डालूंगा। बोल। हैंड्स अप किंग क्राउन। विश्वनाथ, तुमने पुलिस से वादा किया था कि तुम कानून को अपने हाथ में नहीं लोगे। तुमने जयकिशन के साथ दोस्ती करके बहुत कम कीमत पाई है, अब दुश्मनी करके तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब हम जब भी मिलेंगे तो दुश्मनों की तरह मिलेंगे। ले जाओ इसे। भैया वेरी बैड न्यूज, कंचन हमारे यहाँ से भाग निकली है। क्या बात करते हो तुम? हाँ, लेकिन सपना हमारे कब्जे में है। ये सपना कौन? सपना जो जयकिशन के लिए काम करती थी, मेरा मतलब है कि विश्वनाथ की गर्लफ्रेंड। मुझे किसी भी हालत में कंचन वापस चाहिए। क्या हुआ? क्या परेशानी है तुम्हें? उठो, कौन हो तुम बहन? जिसके लिए सब दरवाजे बंद हो जाते हैं उसके लिए भगवान का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। समझो। अरे तुम्हें तो बहुत बुखार है, मेरा घर पास ही है,
चलो मेरे घर। नहीं, मुझे अकेले रहने दीजिए, मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। नहीं, ऐसी बातें नहीं करते बहन, आखिर इंसान ही तो इंसान के काम आता है। चलो मेरे साथ आ जाओ। आओ आओ बहन, आओ, इसे तुम अपना ही घर समझो, यहाँ लेट जाओ। हाँ, धीरे से, हाँ, पांव सीधा करो। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम जयकिशन उर्फ किंग क्राउन ने बहुत से हीरों की चोरियां और डकैतियां की, लिहाजा ये अदालत मुजरिम जयकिशन को 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाती है। पिछले कई सालों से पुलिस किंग क्राउन से परेशान थी। तुमने इतने बड़े अपराधी को गिरफ्तार करवा के कानून और पुलिस की बहुत बड़ी मदद की है, इसलिए कानून तुम्हारे साथ नरमी से पेश आ रहा है। तुम्हें सिर्फ तड़ी पार की सजा दी जाती है। तुम 2 दिन के अंदर अंदर ये शहर छोड़ जाओ और एक नई जिंदगी शुरू करो। एक बार जो अपराधी बन जाता है वो जिंदगी भर अपराधी ही रहता है। ये वो युग नहीं है जब दस्यु रत्नाकर ने वाल्मीकि बनकर रामायण लिखी थी। तुम भले वाल्मीकि की तरह रामायण ना लिख सको, लेकिन कम से कम अपनी आत्मा के मैले कागज पर राम का नाम तो लिख ही सकते हो। किंग क्राउन को पकड़वाने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट ने जो इनाम रखा था वो इस लिफाफे में है। ये पैसा तुम्हें नई जिंदगी शुरू करने के काम आएगा। ले लो, लो, ले लो। गुड लक। चाची, 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 सीरियस है, क्या लगती है आपकी? जी, दुनिया वालों ने रिश्तों को जो शब्द दिए हैं उनमें से इस रिश्ते का कोई नाम नहीं। ये मेरे लिए अजनबी है और मैं इसके लिए सड़क पर जख्मी पड़ी थी, मैं उठा के लाया। जिस्म पर चोट लगने की वजह से बहुत खून बह गया है, माँ और बच्चे को बचाने के लिए फौरन ऑपरेशन करना होगा और कम से कम 50,000 का इंतजाम करना पड़ेगा।
आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, मैं पैसे लेकर आता हूं। ए मुरली मनोहर, इस पैसे को मैं हाथ नहीं लगाने वाला था, लेकिन आज ऐसा वक्त आ गया है कि दो जिंदगियों को बचाने के लिए ये पैसे काम आ जाएंगे। यही है वो जो बेहोशी की हालत में आपको यहां पर लेकर आए, इनकी वजह से ही आपकी और आपके बच्चे की जान बच गई। एक भाई समझकर आप मुझे सब कुछ बता सकती हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी पूरी मदद करूंगा। जब आपके पति को पता चलेगा कि भगवान ने उसे इतना खूबसूरत बेटा दिया है, वो तो खुशी के मारे पागल हो जाएगा। अगर आप मुझे बता दें तो मैं आपको आपके पति के पास छोड़ाऊं। मैं उस इंसान के पास वापस नहीं जाना चाहती। लेकिन क्यों? कहने को तो उस इंसान के नाम में भगवान का नाम आता है, मगर वो नाम किशन मेरी जिंदगी पर ग्रहण बनकर लग चुका है। उनका नाम जय किशन है और दुनिया उन्हें किंग क्राउन के नाम से जानती है। अरे पार्टनर, कंचन जिंदा है और उसने जय किशन के बच्चे को जन्म दिया है। जानता हूं और ये भी जानता हूं कि उसे विश्वनाथ ने सहारा दिया है, तो फिर करना क्या है? बड़ा लंबा होता है नहीं जैकसन? कुछ यादें साथ लेकर जा, वक्त गुजारने के काम आएंगे। इसमें लिखा है कल अस्पताल में आग लगने की वजह से कंचन नाम की लड़की जिसने तुम्हारे बच्चे को जन्म दिया था उसी आग की लपेट में आकर जलकर राख हो गई है। अच्छा है, ये लीजिए आपके भाड़े के पैसे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। चाय वाय मंगवाऊं? नहीं थैंक यू जी। नमस्ते। नमस्ते। माफ करना बहन, अब इस चार दीवारी में ही गुजारा करना होगा। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि आपने मुझ जैसे बेसहारा लड़की को बहन का दर्जा दिया। कौन करता है आज की दुनिया में ये सब? अरे छोड़ो ये सब बातें, चलो घर तो मिल गया, अब नौकरी भी ढूंढनी पड़ेगी, जीने के लिए पैसे भी तो चाहिए। चलो या अल्लाह परवरदिगार, शुक्र है तेरा। सुनिए, मुझे नौकरी की तलाश है।
लगता है इस शहर में नए हो। जी। अकेले हो या कोई और साथ? जी, दो जाने मेरे साथ और भी हैं। फिर तो कंधों पर जिम्मेदारी बढ़ गई होगी। जी पहले नहीं थी, लेकिन अब जिम्मेदारी का एहसास होता है। बेटा अल्लाह बहुत करम फरमा है, मुझे भी एक काम करने वाले की जरूरत थी, सो तुम आ गए। लेकिन याद रहे, ये काम बाबुओं वाला नहीं है, पैसे गिनने का, लोहा कूटना पड़ेगा लोहा। हाँ, मंजूर है? जी मुझे सब मंजूर है। तो ठीक है, अल्लाह का नाम लेकर कल से काम पर आ जाओ, जो कुछ कमाएंगे आधा आधा बांट लेंगे। क्यों? जी शुक्रिया। कल से आ जाओ काम पर। हाँ। सुबह सुबह शराब पी रहे हो, शर्म नहीं आती? इसमें शर्म की क्या बात है, और शराब पीने के लिए सुबह क्या और रात क्या, इसके अंदर का नशा तू क्या जानती है? पहले अंदर चलो। ये भी ना कोई बात, चल अंदर चल। अरे खाली हो गई। अरे मुझे और शराब चाहिए। तुम्हें और शराब नहीं मिलेगी, पूरी बोतल खाली कर चुके हो। अरे मुझे ये शराब नहीं डालेंगे, मुझे तुम्हारी नाखों की शराब चाहिए। मेरा हाथ छोड़ो। अरे कैसे छोड़ूं भाई, याद है एक दिन तुमने मेरे हाथ बांधे थे, आज इन्हीं हाथों को अपने हाथों से ऐसे कस के गांठ मारो कि जिंदगी भर खुले ही नहीं। मेरा हाथ छोड़ो, अब मैं जा रही हूँ। अरे कैसे जाओगी भाई, तुमको भेजा गया था मेरी मेहमान नवाजी के लिए। अरे ये कोई स्टॉप। अरे यार तुम कैसा आदमी है यार, बार बार लड़की का रास्ते काटे जा रहा है, तुमको मालूम नहीं ये मेरी होने वाली बीवी है? अब तो हिलना नहीं, बस हाँ ऐसे बैठे रहना बस। हिलना नहीं एकदम। ए सपना, ये साला विलेन बार बार हम दोनों की लव स्टोरी के बीच में घुसे जा रहा है, इसे खत्म करना बहुत जरूरी है। तुम यही इंतजार करो, मैं अब भी आया। हिलना नहीं यार। हिलना नहीं यार, आज मैं इस विलेन को हमेशा के लिए खत्म कर देता हूं। किधर गया? क्या हुआ? वो कॉकरोच मेरे कपड़ों के अंदर चला गया। चला बदतमीज कॉकरोच। नॉट रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ इंडिया, नो एंट्री मींस नो एंट्री। हिलना नहीं यार, हिलना नहीं। स्टेडी स्टेडी, देखने मैं एक झटके में उतारता हूँ। अरे नहीं, मैं मर जाऊंगी। नो प्रॉब्लम। ये साला कॉकरोच तो विलेन नहीं, सपोर्टिंग कैरेक्टर है। हम हीरो हीरोइन को मिला के चला गया। काली काली आँखों में काजलिया डाल के
अरे यहाँ क्यों बैठी हो? मैंने चाबी खो दी। इतनी छोटी सी बात, ठहरो एक मिनट में खोल देता हूँ। कल बाजार से नई चाबी बनवा कर ले आऊंगा। तशरीफ लाइए कंचन जी, किचन आपका इंतजार कर रहा है। गौरव के साथ साथ मुझे भी भूख लगी है, जल्दी से आलू के पराठे बनाइए, दिल कर रहा है खाने को। इस तरह ताला खोलना तुमने कहां से सीखा? अरे बाबू मोशाय, हालात से समझौता करने के लिए हर काम में माहिर होना पड़ता है। अगर मुझे आलू के पराठे बनाने होते तो मैं तुम्हें बनाकर नहीं खिलाता। तुम ऐसे क्यों देख रही हो? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? बच्चों जैसी बातें कर रही हो। मैं भला तुमसे कोई बात क्यों छुपाऊं? अब कि तुम मुझसे कुछ छुपा नहीं रहे हो। हो गया मजाक कंचन। ये मजाक नहीं है। अगर ये मजाक है तो तुमने गौरव के सर पे से हाथ क्यों उठाया? तुम कहना क्या चाहती हो? वही जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। जिस तरह से तुमने ताला खोला है उस तरह से सिर्फ एक चोर ही ताला खोल सकता है। बोलो सच क्या है? तुम सुनना चाहती हो तो सुनो। मैं बुरा आदमी था और ये बुरा आदमी तुम्हारे जय किशन का साथी भी था, जिसकी निशानी आज तुम्हारे साथ है। दोस्ती के नाम पर विश्वासघात किया था उसने मेरे साथ, उसी की वजह से मुझसे मेरा प्यार मेरी खुशियां सब चली गई। आज अगर जेल की सलाखों के पीछे वो सजा काट रहा है तो उसका कारण भी मैं हूं। हाथ मत लगा उस बच्चे को, मैं तुम्हारा साया भी नहीं पड़ने दूंगी इस पर। कंचन मेरी बात मुझे नहीं सुनना कुछ। मुझे नहीं मालूम था धूप से बचने के लिए जिस छांव के नीचे मैं आई हूँ वो मुझे धूप से नहीं बल्कि उजाले से दूर ले जाएगी। एक पापी की जिंदगी से निकलकर एक गुनेगार के घर में आ गई हूँ मैं। पता नहीं जो रोटी मैंने इस घर में खाई है वो भी किसी के खून में डूबी हुई हो। तो नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा ये सब कुछ। नहीं रहना मुझे इस घर में, एक गुनेगार के घर में नहीं रहना मुझे। शाबाश बेटा शाबाश, तूने इसे गुनेगार कहा ना? बहुत बड़ा गुनाहगार है ये। तूने इसके गुनाह के धब्बे देखे हैं, दाग देखे हैं? नहीं ना, मैं दिखाता हूं। ये देख बेटी, जरा गौर से देख बेटा, इसका गुनाह यही है कि दिन भर दहकती आग की भट्टी के सामने लोहा कूटता है, अपना खून पसीना बहाकर तेरा और तेरे बेटे का पेट पालने का गुनाह करता है ये। अगर तू इसे गुनाहगार समझती है तो दुनिया में हर मेहनत करने वाला इंसान बहुत बड़ा गुनाहगार है। नहीं चाचा, बस आप इनसे कह दीजिए कि इन्हें घर से जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहां से चला जाता हूं। बेटा खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है। तुम भी मुझसे दूर जाना चाहते हो? हर रिश्ते ने मुझे धोखा दिया है। एक ही रिश्ता था भाई का, आज वो भी मेरा हाथ छुड़ा कर दूर जाना चाहता है। क्या कसूर है मेरा? क्या एक बहन का अपने भाई पर कोई हक नहीं होता? क्या एक बहन अपने भाई से झगड़ा नहीं कर सकती? अगर तुम्हें इस बात का इतना ही दुख है तो मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाओ, वरना मेरा हर रिश्ते से विश्वास उठ जाएगा। नो 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 ओ
मम्मी मुझे केला चाहिए। केला चाहिए? केला तो नहीं है इस वक्त। चलो मैं तुम्हें बाहर से दिलाती हूँ, आ जाओ। आइए मैम साहब। भैया जी कैसे दिया? ये 20 रुपए दर्जन। नहीं मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगी। नहीं 15 दे दूंगा। मम्मी मम्मी केला खाओ। ये ले बेटा खा ले। एक पुलिस वाले से मारपीट हो गई, थोड़ा उसका खून बाहर निकल आया, अदालत ने 6 महीने के लिए अंदर डाल दिया। मैंने तुम लोगों को एक अच्छी और नेक जिंदगी शुरू करने को कहा था, फिर ये सब क्यों किया तूने? मेरे खून में आपका नमक है, उसका कर्ज चुकाना था। मारपीट करके? मारपीट तो एक बहाना था, एक जरिया था आप तक पहुँचने के लिए। आप तक पहुँचना बहुत जरूरी हो गया था। ऐसी भी क्या जल्दी आन पड़ी थी? कंचन भाभी जिंदा है। हाँ कंचन जिंदा है? हाँ जिंदा है, उसके पास आपका 6-7 साल का बेटा भी है। मेरा बेटा? मैंने खुद देखा है, मैंने उनकी बातें सुनी है। आपके बेटे की आंखें बिल्कुल आप जैसी है, वो आप ही की तरह चलता है। कहाँ देखा? एक सड़क पर। लगता है उनके हालात ठीक नहीं है। हे भगवान, तू मेरा ये कैसा इम्तिहान ले रहा है? जिस लड़की को मैं बड़े से बड़े बंगले में रखना चाहता था, वो सड़कों की धूल फांक रही है। जिस बेटे को मैं दुनिया भर की खुशियां देना चाहता था, वो एक खिलौने के लिए तरस रहा होगा। इन लोहे के सलाखों के सिवा इस बदनसीब बाप के पास और कुछ नहीं है, जो दिन ब दिन मेरे सामने लंबी होती चली जा रही है। मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? धीरज रखिए। आज लोगों के घर में दिवाली है और मेरी जिंदगी में अंधेरा। काश मैं इस दीवार को तोड़कर अपने बेटे से मिल सकता। ये अंधेरे की दीवार टूटेगी किंग। मगर कैसे टूटेगी? मेरी लाश को ले जाने के लिए पुलिस दरवाजा खोलकर अंदर आएगी, तब तुम खुले हुए दरवाजे से बाहर चले जाना। क्या हुआ? ये ठीक नहीं है। नासिक आ गया, नीचे उतरो। आपकी मदद के लिए बहुत शुक्रिया। आपकी तबीयत अच्छी नहीं है, ख्याल रखना। पुलिस जयकिशन के पीछे है, हमें खबर मिली है कि वो शहर छोड़कर अपने बच्चे की तलाश में नासिक गया है। उसे जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। थैंक यू सर, अब हम चैन की नींद सो पाएंगे। इसका मतलब अब हमें नासिक जाना होगा। देखो मेरा रॉकेट कितना ऊपर जाता है, चांद तारे तक।
अंकल, कौन हो तुम? मैं इस शहर में नया हूँ। आज दिवाली है, तुमने नए कपड़े नहीं पहने? मैं मम्मी पापा नहीं है। नहीं है, नहीं। क्या तुम्हारा अपना कोई नहीं है? मेरा एक तुम्हारे जैसा बेटा है, वो कहीं खो गया है। मैं उसे ढूंढने निकला हूँ। कहाँ खो गया है? इसी शहर में। तुम्हारे पास तुम्हारे बेटे की कोई फोटो नहीं है? वो तो मुझे दे दो। मेरे स्कूल में बहुत से बच्चे, उनमें से कोई तुम्हारा होगा। मेरे पास उसकी कोई फोटो नहीं, मैंने उसे देखा भी नहीं। तो तुमसे वो बहुत नाराज होगा। तुम उससे प्यार नहीं करते? बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन जब वो पैदा हुआ था तो मैं जेल में था। उसे इतना प्यार करता हूँ कि उसे मिलने में जेल से भाग कर आया हूँ। तुम जेल से भाग कर आए हो? मैं किसी को नहीं बताऊंगा तुम यहाँ छुपे हो। चलो मेरे साथ। इधर उठो, आ आ आ, अंदर आ। ये जगह तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है, इधर तुम्हें कोई नहीं देख सकता। अच्छा तो मैं चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, दिवाली मुबारक, दिवाली मुबारक। आपको भी दिवाली मुबारक। ऐसे खुशियां मनाते रहो, ये लो। चाचा। अरे बेटा दिवाली मुबारक। आओ चाचा पूजा करते हैं। आओ चाचा। चाचा ये दिवाली क्यों मनाते हैं? बेटा अपने बाप का दिया हुआ वचन पूरा करने के बाद रामचंद्र जी 14 साल का वनवास पूरा करके आज के दिन अपने घर आए थे अयोध्या में, उस खुशी में दिन मनाते हैं। तो राम कौन थे? राम बेटा एक पैगंबर थे, बहुत बड़े अवतार, मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं उन्हें। चाचा आप तो रामायण भी जानते हैं। क्यों नहीं बेटा, ये बंटवारे से पहले हिंदू मुसलमान मिलकर दिवाली और ईद मनाते थे, हर घर में होते थे ये त्योहार। देश के टुकड़े क्या हुए, दिलों के टुकड़े हो गए। जब वो दिन याद आते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। चलो जो अल्लाह की मर्जी, आओ पूजा करें। भगवान से जो भी मांगो तो मिल जाता है? हाँ बेटा, सच्चे दिल से प्रार्थना करो तो भगवान जरूर स्वीकार करते हैं। भगवान जी वो जो बाहर अंकल है ना, वो ही मुझे वाले अंकल, उनसे उनका बेटा मिला था ना। अरे गौरव कहाँ जा रहे हो? दोस्तों को प्रसाद बांटने। अरे वाह। हेलो प्रसाद, मैंने भगवान जी से प्रार्थना की है क्या तुम्हें तुम्हारा बेटा मिला दे? अरे अंकल तुम रो रहे हो, इतने बड़े होकर रोते हो? तू मेरा कोई भी नहीं, फिर भी मुझे अपना सा क्यों लगता है? तुम भी मुझे बहुत अच्छा लगते हो। जब तुम्हें तुम्हारा बेटा मिल जाएगा तो मैं भी उससे दोस्ती कर लूंगा। चल जाओ, जाकर सो जाओ, बहुत देर हो गई है। अच्छा कल, गुड नाइट। गुड नाइट। अजय गंगा मैया, बहन जी लो दूध। हाँ। गौरव बेटे। हाँ माँ। दूध अंदर लेके जाना। अच्छा। इलो बिटवा। अंकल उठो उठो, तुमने रात भर कुछ खाया नहीं ना, मैं तुम्हारे लिए दूध लेके आया हूँ। जब मैं रात सो रहा था तो मेरी मम्मी ने मुझे राम जी की कहानी सुनाई थी, उनके भी तो बेटे थे लव कुश, वो अपने पिता से दूर जंगल में अपनी माँ के साथ रहते थे और एक दिन वो भी अपने पिता से मिल गए। उसी तरह तुम्हें भी तुम्हारा बेटा मिल जाएगा। विश्वनाथ भैया गौरव घर में नहीं है, जरा देखो ना। गौरव क्या कर रहा है यहाँ? तेरी माँ बुला रही है तुझे, चल।
दुश्मन। मैंने तुमसे कहा था कि हम जब भी मिलेंगे तो दुश्मनों की तरह मिलेंगे। तुम्हारी वजह से मेरी यह हालत हुई है। मैं अपने बच्चे के लिए जिस तरह तड़पा हूं, तुम भी इस बच्चे के लिए तड़पोगे जिंदगी भर। जयकिशन, ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो इसे। जयकिशन, ये तुम्हारा बेटा है। कौन लेके जा रहा है? गौरव को जयकिशन लेके जा रहा है। उसकी जान को खतरा है। कांचन, मैंने तो आपकी मदद की है मुच्छल अंकल, आप मुझे क्यों मार रहे? तेरी मौत से मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। विश्वनाथ से मेरा इंतकाम पूरा होगा। मुझे मालूम है आप मुझे नहीं मारोगे। चुप बैठ। तू देखना चाहता है मैं तुझे कैसे मारूंगा? ये देख, ये देख, ये देख। Thank you.
इन्हें छोड़ दो। मिस्टर किंग क्राउन, यू आर अंडर अरेस्ट। क्या है? चलो, चल। गौरव। मम्मी। गौरव। Excuse me, Inspector. Okay. Papa. विश्वनाथ, अब मुझे जेल जाने का कोई अफसोस नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है जब मैं लौट कर आऊंगा तो मेरा पूरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा होगा। थैंक्स।